इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ज़ेड आर्चीवर एप्लीकेशन के अंदर जो ज़िप फाइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको जानना है तो अपने इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना ज़ेड आर्चीवर ओपन कर देना है, ठीक है। ज़ेड आर्चीवर ओपन करने के बाद मैं आपको एक जो है ज़िप फाइल दिखाता हूँ, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास जो है यहाँ पे एक ज़िप फाइल है, हम ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड, मान लीजिए ये जो है मेरी एक ज़िप फाइल है। अब इसको जो है एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आपने सिंपली इसके ऊपर टैब को क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जिस फोल्डर में भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आपने उस फोल्डर को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए मैं जो है एक फोल्डर में जो है इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मान लीजिए मैं इस ब्लूटूथ वाले फोल्डर के ऊपर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। आपने सिंपली फोल्डर के ऊपर जाना है और आपने इस ग्रीन एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो ज़िप फाइल है वो जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।